नमस्कार बुलेटिन को स्वागत मु स्मृति लग्ना प्रथम हेडलाइंस कोविड हॉस्पिटल रो सत चापिबा को षडयंत्र सत लुचाइबा को जाय बड़ मिछ कहला मयूरभंज जिला प्रशासन कोरोना रोगी को बनाई दिले मानसिक रोगी बांकोसळ कोविड हॉस्पिटल रो चित्र आज अनुगुल जिला गस्तरे जिबे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान जेएसपीएल कैंपस रे निर्मित कोविड केयर सेंटर लोकार्पण कार्यक्रम बलराम प्रसाद ईएसआई हॉस्पिटल तालचेर एमसीएल कोविड हॉस्पिटल रो करिबे स्थिति अनुध्या आज राज्य में लॉकडाउन 3.0 16 दिन पुणि थे कटक बढ़ाई राज्य सरकार जून 17 सकाळ 5 जाए ताला बंद पूर्व भली सकाळ 7 रु दिन 11 जाए अत्यावश्यक सामग्री दुकान खोला खोली कि कोविड परिचालना बाहा बाहर गुमर ओडिशा रे कोरोनार संगीन स्थिति जातीय हार ठारु अधिक रही राज्यर पॉजिटिविटी रेट भद्रक एवं ढेंकानाल रे प्रति 138 पॉजिटिव 13 जिले में 15% उपरे पॉजिटिविटी रेट आज सीबीएसई द्वादशर 12 लाख परीक्षार्थी भविष्य उपरे निष्पत्ति परीक्षा नहीं केंद्र शिक्षामंत्री करिपारंती बड़ घोषणा घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री मोदी को भेटिबे शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एवं आज आईसीसी बोर्ड बैठक जोगदेवे बीसीसीआई सभापति सौरभ गांगुली टी20 विश्वकप को गोटे मास घुंचाइबा आशार बीसीसीआई संपूर्ण खबर को आसीबा सतक लुचाइबा को जाय बड़ मिछ कहला मयूरभंज जिला प्रशासन बारीपदा बांकसळ कोविड हॉस्पिटल रे रोगी उल्लग्न अवस्था रे पड़ी रही विजुअल को नहीं जारी होता प्रेस रिलीज कहगला खबर मिछ भीतिहीन बोली जड़े रोगी कथा उल्लेख कर लेखागला न्यूरोलोजिकल प्रोब्लेम रही कि पूरा दृश्य जिलापाल मिछ को पदार पक मयूरभंज जिला प्रशासन रो महामिछ कोरोना रोगी को बनाई देले मानसिक रोगी कोविड हॉस्पिटल सत चापिबा को षडयंत्र दायित्वहीन प्रतिक्रिया रखिले जिलापाल विनीत भरद्वाज भाइराल विजुअल सत कहुची ना प्रशासन रो तदंत गोटे पटे बारीपदा बांकसळ कोविड हॉस्पिटल रो ए दृश्य आउ एपटे जिला प्रशासन रो प्रेस रिलीज नजर पकातु ए रिलीज उपरे एटी उल्लेख करा जाइछि जे मयूरभंज जिलापाल ओ अन्य अधिकारीक टीम बांकसळ जाई सेठाकार स्थिति ओ सोशल मीडिया रे वायरल वीडियो रो तदंत करथिले तदंत परे ए घटना मिछ ओ आधारहीन बोली जिला प्रशासन कहिछि सहित कहु जड़े रोगी न्यूरोलॉजिकल समस्या रही बेड को बारंबार दि जाऊला हस्पिटाल डाक्तर और नर्स तर जत्न नेल्लेख करदारे पक जिलापा मिछ को जिलापा मिछ नंबर वन प्रेस रिलीज में दर्शा जा जड़े रोगी बोली किंतु विजुअल कहुची जड़े नुहे एकाधिक रोगी तले पड़ते किए बारेडारे किए टॉयलेट रे आउ किए बेड पाखरे केवल जड़े रोगी विषय कहीं उल्लेख करागला अन्य मानक संपर्क में कहीं उल्लेख कले जिलापाल विनीत भरद्वाज जिलापाल मिछ नंबर टू प्रेस रिलीज रे उल्लेख करा जाइछि जे हॉस्पिटल रो डाक्टर और नर्स पूरा जत्न नेउथिले रोगी किंतु वायरल विजुअल रे केही भी देखा जाउ नाहले जदि समस्ते एते जत्न नेउथिले ताहले ए स्थिति काहेकि जिलापालंक मिछ नंबर थ्री काहाको बंचाइबा पई होइछि तदंत दृश्य सत ना तदंत ए दृश्य मिछ और कौन आधार ना दर्शाइबा ही बड़ मिछ बारीपदा ठार मात्र कई किलोमीटर दूर बांकीसल कोविड हस्पिटाल दृश्य भाइराल होता
रोगी माने तले पड़ दृश्य सामना को आसीला कंग्रेस ने खबर प्रसारण पर हलचैबी सृष्टि होता एने स्वास्थ्य मंत्री नव दास को प्रश्न पचारिपु से उत्तर नद चली जाते आ जिला प्रशासन जो उत्तर रखी मिछ बारिपदारू रंजन दास रिपोर्ट एक खबर को नहीं पूरा राज्य में चर्चा परवर्ती खबर को आसीबा आज अनुगुल जिला गस्त करेंगे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ए अवसर में जेएसपीएल कैंपस रे निर्मित कोविड केयर सेंटर को 9:45 मिनट रे लोकार्पण करिबार कार्यक्रम रहुछि। यहाँ से बलराम प्रसाद ठारे ईएसआई हॉस्पिटल परिदर्शन करेंगे ता सहित स्थित अनुध्यान करेंगे। से भाई दिन प्राय 12:15 मिनट रे समय धार्य कर धर्मेन्द्र तालचेर ठारे एमसील कोविड हॉस्पिटल परिदर्शन करेंगे विभिन्न आनुषंगिक व्यवस्था करेंगे तदारक। आज राज्य आरंभ हो लॉकडाउन 3.0 16 दिन लॉकडाउन को बढ़ाई राज्य सरकार जून 17 पर्यंत लॉकडाउन को वृद्धि नहीं घोषणा करते मुख्य शासन सचिव जून 17 सकाळ 5 पर्यंत बलवत्तर रहिबो लॉकडाउन रो कटकणा। पूर्व भली सकाळ 7:00 दिन 11 पर्यंत लोक माने अत्यावश्यक सामग्री किनी पारिबे। एथिसहित राज्य में जारी रही सप्ताहांत शटडाउन जारी रहिबो। तेबे राज्यर 3 जिला पई कटकणा किछि कोहळ करिसेंति सरकार। नुआपड़ा गजपति और सुंदरगढ़ सलून पार्लर मॉल छाड़ी अन्य सब दुकान खोला रहा तो ए तीन जिले में सका 7:00 दिन गोटाए पर्यंत अत्यावश्यक सामग्री किनवाई अनुमति। बुलेटिन जारी रहा खबर समय छोटो ब्रेक रो। पश्चिमबंगे चलता निर्वाचन परवर्ती हिंसा को नहीं जूम आप्रे अनुष्ठित बुद्धिजीवी सम्मेलन में चिंता प्रकट करते वरिष्ठ वक्ता। पश्चिमबंगे घटी हिंसा को जहादी हिंसा बोली कहते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ओडिशा आनुकूल्य संपादित तो कार्यक्रम में जाजपुर भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर जिलार बुद्धिजीवी अंशग्रहण करते पश्चिमबंगरे चलिथिबा निर्वाचन परवर्ती हिंसा को नहीं उद्वेग। जूम आप्रे अनुष्ठित बुद्धिजीवी सम्मेलन रे एही प्रसंगरे आलोचना बेले चिंता प्रकट करथिले वरिष्ठ वक्ता। आरएसएस रो अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील पदगोस्वामी पश्चिमबंगरे घटिथिबा हिंसा को जेहादी हिंसा बोली कहिथिले। राजनैतिक और जेहादी हिंसार सठिक तथ्य लोकलोचन को आसुपार नथिबारु से चिंता प्रकट करथिले यहा दुर्भाग्यजनक बोली दर्शाइथिले। श्रीपद गोस्वामी आहुरी कहिथिले निर्वाचन रो फलाफल घोषणा परे विजयी राजनैतिक दल योजनाबद्ध भावे हिंदू समाज को टार्गेट करुछे। अभी का जो चीफ मिनिस्टर उनका जेहादी शक्ति के समर्थन का जो उनका रिमार्क ये केवल बंगाल के लिए नहीं सारे देश के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है। मेरा विश्वास है आपका बात मैं जरूर ऊपर में बताऊंगा और निर्णय लेने का दायित्व तो उनके ऊपर ही है और हम लोगों का विश्वास है कि वो स्थान में जो बैठे हैं हम लोग जैसा सोच रहे हैं उनके मन में भी ऐसा चल रहा होगा जरूर राइट स्टेप इन द राइट टाइम। से आहुरी कहिथिले एही हिंसा रे 3662 गां प्रभावित होईछि पाखापाखी 20,000 हिंदू परिवार पीड़ित होईछन्ते। एठारे लूट तराजो पुड़ाजला हत्या गण दुष्कर्म भली जेहादी हिंसा चलीछि एपरिकी अनेकंकु निज घर छाड़ी चली जिबाकु बाध्य करा जाउछि एवं घर को फेरिले सेमानंकु जीवन रे मारिदेबाकु धमक मध्य दिया जाउछि। सेथिपाई सेठाकार पीड़ित हिंदू समाज आज निज देशे निजे शरणार्थी होईछि। एभली परिस्थिति रे सेठाकार हिंदू मानंकु सुरक्षा देबा जरूरी हो पड़िछि। जीत होगा ही यहाँ का संचो का हिम्मत और बढ़ेगा और यहाँ पर अभी जो प्रतिरोध करने का जो मन में चल रहा है बंगाल क्रांतिकारी स्वभाव तो है इसके क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वाले उसी का ही वंशज जो सब बंगाल में है ये
जरूर मेरा लगता है देश भर से अच्छा आवाज उठना चाहिए, इसका परिणाम राष्ट्रपति तक, इसका प्रधानमंत्री तक सबके पास पहुंचेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ओडिशा आनुकूल्य संपादित एक कार्यक्रम में जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज एवं केन्दुझर जिलार बुद्धिजीवी अंश ग्रहण करते। सरकार टीका किणा ड्रामा करुछन्ति कि विदेशी कंपनी मानों को पाखरु टीका किणबा संभव नुहे एकथा जानी मध्य सरकार ग्लोबल टेंडर करिछन्ति कि एबे निज दलर सांसद फर्तुअरी महताब सरकार करो एही ग्लोबल टेंडर को नै कटाक्ष करिछन्ति। खाली कटाक्ष करिनांति, सरकार चलाउथिबा पंडित मानकु टार्गेट करिछन्ति, राज्य राजनीति रे हईचई सृष्टि करिछन्ति फर्तुअरी। विदेशी टीका उत्पादनकारी कंपनी राज्य को सीधा टीका बिक्री करी परिबे नाही, केवल केन्द्र को ही बिक्री करी परिबे। एक कथा सरकार जानी सुधा काहेकि ग्लोबल टेंडर कले, एमिति किसी प्रश्न पचारी निज संपादकीय लेखारे सरकार को घाइला करिछंती बिजेडी सांसद भर्तुहरी महताब। नजर पकांतु भर्तुहरिंकर एही लेखा उपरे, कोविड महामारी मोदी और संघीय व्यवस्था शीर्षक एही लेखारे भर्तुहरी लिखिछंती विदेशी टीका उत्पादनकारी संस्था राज्य को टीका सीधासलख बिक्री करें ना, से केवल केन्द्र को टीका बिकी पारे। तबे राज्य सरकार चलाउथिबा पंडित माने एक जान नथिले कि बोली लिखिछंती भर्तुहरी। सरकार करथिबा ग्लोबल टेंडर कौन भारत उत्पादित टीका क्रय लगी बाहर कर प्रश्न करिछंती, एक भी पचारिछंती ग्लोबल टेंडर बाहर कर कौन देशर संघीय व्यवस्थार दुर्बलता को लोकलोचन में समालोचनार पात्र कर कि भर्तुहरी ए लेखा राज्य राजनीति में हईजई सृष्टि कर टीका अभाव को नहीं अन्य मुंडे किपर अठा बड़ा जाता भी लिखिंट भर्तुहरी। कोरोना भाइरस व्यापुवा बेले शासन व्यवस्था घटुवा विभ्राट और निज निजर दोष त्रुटि को घोड़ाइवाई अन्य मुंडे किपर अठा बड़ा जापे तार एक कसरत चली, जो मैंने एक कसरत लिप्त से मैंने आदौ संविधान संघीय भावधारा को सम्मान देना लिखिंट भर्तुहरी, उल्टी संविधान द्वाही दे लोकों विभ्रांत करुछंती बोली लिखिछंती भर्तुहरी। तेबे एहा फळरे किए लाभवान हेउची ताहा बेस कौतूहलप्रद। एबे नजर पकांतु सरकारक टीका किणार टेंडर प्रक्रिया उपरे, मे 10 तारीख रे ग्लोबल टेंडर को राज्य कैबिनेट अनुमोदन मिलला, मे 21 रे शर्तावली रे परिवर्तन होला, मे 28 तारीख रे जणा पड़ी थांता केउ केउ विदेशी कंपनी ओडिसा को टीका देबा को आगभर होइछंती। हेले बात्या आळ रे सरकार टेंडर ओपन दिन को आउ 7 दिन घुंचाई देइछंती, जून 4 रे ही टेंडर खोलिबो। एठी प्रश्न यदि ग्लोबल टेंडर रे विदेशी कंपनी अंशग्रहण करें बोली भर्तुहरी कहते, तेज सरकार टेंडर सतरे ड्रामार शेष होबनि तो भर्तुहरी पर सांसदों एभली प्रश्न पर लोकों मनरे टीकार ग्लोबल टेंडर को नहीं सन्देह सृष्टि हो। स्वास्थ्य मंत्री और सचिव लोकों मनु सन्देह दूर करेंगे कि आदि न करती तेज ग्लोबल टेंडर जे एक ड्रामा ता प्रमाणित हो। भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। देशे कोरोनार द्वितीय लहर भितर आज सीबीएसई द्वादश परीक्षा को नहीं होपे बड़ घोषणा, सीबीएसई द्वादश 12 लक्ष परीक्षार्थी भविष्य पर आसंता निष्पत्ति पारती केन्द्र शिक्षा मंत्रालय। तेज शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आसंता एने बड़ घोषणा करपारती, घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेटे केन्द्र शिक्षामंत्री। वर्तमान सुधा राज्य और शिक्षा बोर्ड मिलता परामर्श आधार में प्रस्तुत कर रिपोर्ट प्रधानमंत्री को हस्तांतर कर। परवर्ती खबर को आसीबा गंजाम आस्का घुमुसर जिला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पक्षर थर्मल स्क्रीनिंग कार्यक्रम जारी रही। तालुका छक राजेन्द्र नगर ठारे संघ पक्षर घर को घर बुले थर्मल स्क्रीनिंग एवं मास्क बंटन कराजबा सह लोकों को कोरोना सचेतन करा जाइछि। एभले कार्यक्रम आगो को मध्य जारी रहबो बोली संघ पक्षर कहा जाइछि। व्योमकेश बाहिनी का आतंक राज, भद्रक चांदवाली रे माड़ खाई हॉस्पिटल रे स्वामी स्त्री अभियोग कले पुलिस कहुची सेमिति आईन रो किछे दफा नहीं पारिबो नहीं कार्यानुष्ठान। एमिति चलिछे पावरफुल विधायक व्योमकेश राय को चांदवाली रे राजनैतिक आतंकवाद नजर पकेबा।
चांदबाली रे चली छि कोन माडमारी साधारण लोकंकु दरमरा करुछंती बीजेडी रो गुंडा पुलिस कहुची एमिति केस रे दफा नाही कार्यनुष्ठान नेई पारिबुनी मासी कोइली थाना रे जणेली थाना सार कहले कहले नाही नाही सर से बेर हे छैलेनी मते खुंटिया सर को फोन करली खुंटिया सर कहले से केस किछि नाही दफा किछि नाही उकेले कोन ने किछि सुनिले तो ये हेउची चांदबाली रे चलीथिबा राजनीतिक आतंक राजर झलक कथा न मानिले जेउठी देखुचंती लोकंकु पिटुचंती बीजेडी रो कर्मी आउ अभिजोग एहा जे एमाने चांदबाली रो पावरफुल विधायक बमकेश रायंक खास निर्देश मिलिबा मात्रे लोकंकु करुचंती आक्रमण एमिति चालीची एठी गुंडाराज चांदबाली ब्लॉक कांडगरेडी पंचायत रे राजनीतिक शत्रुता को केन्द्र करी आतंक राज बीजेपी कर्मी को मरणात्मक आक्रमण करिवारु स्वामी स्त्री गुरुतर सदर चांदबाली बाजार रो शास्त्री नगर रे अलेख कुमार नायक और तांको स्त्री निज ऑटो रे जाउतबा समय रे प्रतिपक्ष बीजेडी कर्मी धनी स्वाई सुभाष स्वाई और धन बेहरा एक कुताल बेंटो साहाज्य रे मरणात्मक आक्रमण करिवारु रक्त जुड़ुबुड़ अवस्था रे स्वामी और स्त्री मेडिकल रे भर्ती होइतिबा सूचना मिलिछि आमे स्वामी स्त्री दिन आस्तिलु सावित्री बत साड़ी किणियाबु साड़ी किणि एटु गला बळे हमर गामर तीन जण धन आउ सुभाष आउ जन तीन जण मते धनी मते बाड़ेगी हम माने बार आगर जगह बार आगर मते पाइप रो बाड़े जिंदी मो मो स्त्री की बाड़ेगी तार मुंड फुंड सब फटे हसा की मते मो घर पाखु जाई पहुंची की सेठी कहउचंती जे होत न तो बापा मां को बाड़े सेठी पके देके आसी छु तते बाड़ेगी तो पुखरी पके देबु तापर तो केबिन टा को निया न कह देबु एपर्यंत मो भाई आ मो भाई बर्तमान मेडिकल रे पड़चंती एटा को आईन गत अछि जे मेडिकल रो पोस्ट मान किछि हे मान मेडिकल रो अछि डेड मान लुकटा अछि किंतु से बर्तमान बेल रे बुलचंती बेल रे जाई सले सत्ते भी मु आज आसी पहुँचली सकाले मो भाई की मो माँ को कही जाइंती बाटर आ तुम दुकान फुकान जाली देमु आ दुजण मारदेनु तुम पिला पिली सब मारदेमु मैंने सब दलगति बीजेडी दल आज्ञा कौन आम चांदबाली बीजेडी दल आज्ञा कौन केते दिन हो रहा राजनीति चलो आम छुआ पिला नहीं चलू ना आज्ञा कुआ छाड़ी पलैबू सेपटे एने चांदबाली थाना दंपति अभियोग आधार पुलिस मामला रुजु करी राजनैतिक चाप आगे मुंड नुआई अभियुक्त विरोध में कार्यानुष्ठान नहीं पारि तेरे ये बड़ प्रश्न क्या चापरे पुलिस चुप बसी विधायक बमकेश राय खास बोली मामलें होनी कि कार्यानुष्ठान भद्रक चांदबाली भागीरथी सेठी अर्गस न्यूज आज आईसीसी रो बोर्ड बैठक अनुष्ठित हो बीसीसीआई सभापति सौरभ गांगुली बैठक में अंशग्रहण करेंगे बाबद में नजर पकेबा किंतु समय छोट ब्रेक फेरबा खबर को आज आईसीसी बोर्ड बैठक अनुष्ठित हो बीसीसीआई सभापति सौरभ गांगुली बैठक में करेंगे अंशग्रहण वर्चुअल होगा ए बैठक अनुकूल फलाफल आशे रही बीसीसीआई अक्टोबर नवंबर मास रे भारत में खेला आईसीसी 2020 विश्वकप को गोटे मस घुंचाइबा आशे रही विश्वकप को घुंचाइबा नहीं बीसीसीआई एत शीघ्र आईसीसी निकट सबुज संकेत पाइबा भली संभावना नहीं आईपीएल 14 अवशिष्ट भाग को यूएई रे शेष करबा एवं कोविड परिस्थिति रे उन्नति आसिले भारत रे वर्ष शेष आड़क विश्वकप कराइबा लक्ष्य रे रहुची बीसीसीआई आईपीएल रो अवशिष्ट 31 मैच को बीसीसीआई सेप्टेम्बर 15 रु अक्टोबर 15 भितर यूएई रे करबा योजना रखुची किंतु तारीख धार्य हो पारिना से भले अक्टोबर तृतीय सप्ताह आरंभ ए 2020 विश्वकप नवंबर 14 भितर शेष होबाकु योजना रहुची दिल्ली हाइकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय बंद होना सेंट्रल विस्ता प्रकल्प कार्य ए प्रकल्प रही राष्ट्रीय महत्व एणु प्रकल्प बंद करने दायर पिटीशन को खारिज कर दिल्ली हाइकोर्ट ता सहित आवेदनकारी लगती 1,00,000 टंकार जोरिमाना दिल्ली हाइकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय बंद होना सेंट्रल विस्ता प्रकल्प कार्य प्रकल्प रही राष्ट्रीय महत्व प्रकल्प बंद पर दायर पिटीशन को खारज आवेदनकारी 1,00,000 टंकार जोरिमाना बंद होना बहुचर्चित सेंट्रल विस्ता प्रकल्प कार्य यार निर्माण कार्य जपर पूर्व चलता सेपर चालू रसंग एक गुरुत्वपूर्ण राय शुणाई मान्यवर दिल्ली हाइकोर्ट एवं कोविड महामारी देशपाई अनेक आर्थिक बोझ आई समय बहु अर्थ व्यय निर्मित होता
सेंट्रल भिस्ता आभिन्यूर प्रकल्प को बंद करने केन्द्र सरकार को निर्देश दि जाऊ प्रार्थना कर पिटिशन दायर करते दुईज आवेदनकारी मे 17 तारीख दिन यार शुणा कर राय स्थगित रखि कोर्ट जहां सोमवार दिन प्रकाश पाई आवेदन को खारज करवर अदालत आवेदन विचार पर दिल्ली हाइकोर्टर मुख्य विचारपति जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह को नहीं गढ़ा जाता दुईजिया डिजन बेंच बेंच मत देते सेंट्रल भिस्ता आभिन्यू हूँ सेंट्रल भिस्ता प्रोजेक्टर एक अविच्छेद्य अंग जार सार्वजनीन गुरुत्व रही जेहेतु प्रकल्प में संप्रक्त श्रमिक एवं अन्य माने प्रोजेक्ट साइट रे रही कार्य करेणु कोविड नियम पालन करू बंद करने निर्देश देवार प्रश्न उठना पूर्वर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बा डीडीएमए 2019 संपर्क एक स्पष्टीकरण देते जहाँ बेंच उदाहरण भाव में नहीं तेरे धार्य समय सुधा प्रकल्प निर्माण शेष करने दिगरे गुरुत्व डिविजन बेंच सेंट्रल भिस्ता आभिन्यू रे नुआ पार्लियामेंट हाउस निर्माण कार्य चली तेणु यह प्रकल्प राष्ट्रीय गुरुत्व रही प्रकल्प निर्माण प्रति देशर नागरिकों समर्थन रही यार आईनगत वैधता मान्यवर सुप्रीम कोर्ट को द्वारा सुनिश्चित करा तेणु प्रकल्प कार्य बंद हेबना बोली राय हाइकोर्ट बेंच लेखक तथा अनुवादक अन्या मल्होत्रा एवं ऐतिहासिक तथा प्रामाणिक चलचित्र निर्माता सोहेल हासिम तरफ पिटिशन दायर कर प्रकृत जनस्वार्थ मामला नुहे बर मंद उद्देश्य प्रणोदित एक पिटिशन बोली मत दे पिटिशनकारी एक लक्ष टा जोरीमाना लगाई डिविजन बेंच ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज समय बुलेटिन को नमस्कार। We'll be right back.